चीज़ें जो मैं ऑयल में डालूँगी, ग्रीन इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, सिनेमन स्टिक, ब्लैक पेपर, एंड यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले लिए हैं विच इज़ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सोल्ट दैट इज़ ड्राई जिंजर, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड जिंजर एंड सॉरी जीरा पाउडर। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके फिर इस ऑयल में ऐड करूँगी। गरम मसाले, सॉस पाउडर, जिंजर पाउडर जिसको सोल्ट बोलते हैं, और बाकी इसमें सॉस पाउडर, तुलसी ग्रीन, लाल मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने जीरा डाले और चिली का पेस्ट लिया है। जैसा देखिए अभी अच्छे से मैश हो गए हैं, अच्छे से सोखते बनते हैं। मैं ब्राउन करके इसको वाटर में डाल दूँगी, 5-10 सेकंड के लिए पानी के लिए नहीं लगे थोड़ा सा मेन स्टॉक टेबल वो रेडी करो वाटर थोड़ा वाटर में। तो जैसे आपको दिखाऊंगी यहाँ पर बनाए नहीं होंगे और यहाँ पे पानी वॉर्म होना है, वॉर्म वाटर में इसमें वैसे वॉर्म इसलिए वॉर्म इसमें ऐसे डाल दूँ। अब जैसे ये कोफ्ता इसमें सीख हो गया, जब ये ऊपर फ्लोट करने लगा तब आप समझ आइए कि ये कोफ्ते पक गए हैं एंड द कलर ऑफ ब्राउन और पिंक टू टर्निंग टू वाइट। मैंने सीधा वाइट कलर रखा है, यू कैन टेक इट फॉर योर स्टडी। अच्छा, एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ कोफ्ता इज सीखिंग नाउ, दे आर फ्लोटिंग, सो दिस इज लाइक हाफ कोफ्ता, सो दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट वी वांट इन द कोफ्ता। सो आई बी स्विचिंग ऑफ द गैस नाउ एंड देन रेस्ट ऑफ द कुकिंग विल बी कंप्लीटेड इन द ग्रेवी। अच्छा, अब हमें कुकर में अराउंड 2 टीस्पून ऑफ ऑयल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई मसाले, जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी एंड सोल्ट पाउडर दैट इज ड्राई जिंजर। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे मसाले लिए हैं जिसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग, सिनेमन स्टिक एंड ब्लैक पेपर ये सारे लिए हैं। अब मैं इसको इसका पेस्ट बनाऊंगी, थोड़ा सा वाटर डाल के मिक्स इट। ये जनरली कश्मीरी घरों में आप देखेंगे ये प्रोसेस दे फॉलो विद वेजिटेबल्स ऑल्सो, कुकिंग वेजिटेबल्स, सो दे मिक्स इट इन वाटर ताकि ये मसाले जले नहीं, क्योंकि प्याज नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ मसाले हैं, उस चक्कर में मसाले जल जाते हैं पूरा फ्लेवर खाने का ख़राब हो जाएगा। यू वॉन्ट टेक इन वाटर मिक्स इट सो दैट prevents from burning. This paste will be adding in the oil. For now, first I'll be adding the whole spices in the oil. So the oil is nice and hot. And here I'll be adding the whole spices. हो जाएगा द ब्यूटिफुल कलर दैट इट हैज़। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, द गैस हैज़ टू बी रियली स्लो। देन वील बी एडिंग दीज मीट बॉल्स इन द मसाला एंड द सेम स्टॉक दैट वी हैव यूज फॉर बॉइलिंग द मीट बॉल्स वील एड दिस। सो द एंटायर वाटर विद द स्टॉक वील बी एडिंग in the cooker and we'll be doing a slow cooking for around 20 to 25 minutes. This is how the color should be, nice and red.